5 किलो साइज का कतला जो है ना 180 रुपए किलो, देखो होलसेल में है ये। यार अगर आप मछली खाते हो तो मछली मंडी आना चाहते हो तो मछली का रेट पता करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। और हमारे साथ साथ चलो मंडी का एक नज़ारा देख लेते हैं जल्दी से जल्दी, सब कुछ बताने वाले हैं ड्रिल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, चलो हमारे साथ साथ। एक सौ तीस रुपए किलो रिक्शन, यहाँ पर दो तरह के तरपियाँ हैं इनके पास और तीन तरह के, ये बड़े वाला साइज भी है, वो वाला 100 रुपए किलो बोल रहे हैं। देखो वैसे कान लाल है, अभी के टाइम पे ये वाला तलपियाँ ज़्यादा महंगा हो गया, तीनों चारों तरह के तलपियाँ। पहले ये वाला तलपियाँ ना कम से कम 50-40 इस तरह बिकता था और ये वाला 70 ज़्यादा ज़्यादा 80, लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो रहा है वो 100 रुपए किलो हो गया, ये 130 रुपए किलो हो गया और बड़ा वाला तो जो है ना 140-150 रुपए किलो तक पहुँच गया। हालांकि वो बड़ा वाला पहले 100 रुपए किलो हम खरीदते थे। ये हिलसा देखो 650 रुपए किलो, ये वाला तीन चार तरह का है इनके पास। वो 1500 रुपए किलो है जो हाथ में लिया है भाई। ये हिलसा है देखो, एक किलो में 4 या 5 आएंगे और छोटा साइज का है, मतलब 350 रुपए किलो है। हिलसा बिक रहा है इधर भी, आज थोड़ा हिलसा ज्यादा है। 110 रुपए किलो ये वाला पंकज मछली है और ये साइज 2 किलो साइज है, 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बड़े साइज का, और छोटे साइज का दूसरा रेट हो सकता है, उसको भी बताते हैं हम अभी। देना रे 390, 390 का है जो 40 पीस का लग रहा है मुझे, 40 पीस आएंगे 1 किलो में। ये रेहू क्या रेट दिए भाई? 200 रुपए किलो। पाँच किलो साइज का कतला जो है ना 180 रुपए किलो, देखो होलसेल में है ये। यहाँ पर टेंगरा मछली है देखो 450 रुपए किलो वाला। तुम फोटो तो मत खिंचा। ये देखो करीमीन फिश, ये बहुत अच्छा मछली होता है लोकल। कितने रुपए किलो दे रहे हैं आज? ये कितने रुपए किलो दे रहे हैं? ये 120 रुपए किलो वाला, अभी 120 रुपए है और ताज़ा होता है ना तो थोड़ा और महंगा होता है। ये वाला तलपियाँ आज इस दुकान में होलसेल में जो है ना 80 रुपए किलो है और कुछ लोग जो है ना थोड़ा लेने आते हैं 2-4 किलो 5 किलो, तो उनको होलसेल रेट में नहीं मिल पाता, फिर वो 100 रुपए के ऊपर चला जाता है भाई। वैसे मछली सही है लेकिन सारा लेना पड़ेगा या तो आधा लेना पड़ेगा, वैसे में होलसेल में मिलता है। ये यहाँ पर एक मछली है गोच मछली, कम से कम 8 किलो से बड़ा है, इसका रेट 300 रुपये किलो बोल रहे हैं। वैसे सौदा वौदा करेंगे तो कुछ कम भी हो जाएगा।
बहुत बड़े बड़े दो मूछे होते हैं इसके सामने और नीचे चार होते हैं और ऊपर की साइड में एक होता है, ठीक है। साइड में जो है ना नोकीले नोकीले से पर होते हैं इसके, बहुत बड़े बड़े। देखो मछली के हिसाब से छोटा है पर। भाई होलसेल और रिटेल कहाँ बिकता है मैं बताता हूँ। ये जो बाहर है ना, बाहर का इलाका, इसमें जो बैठ बैठ के बेचते हैं धूप वगैरह में बाहर, तो ये है रिटेल में बेचते हैं, ये थोड़ा महंगा देते हैं। और जो दुकान है इधर साइड साइड में या मंडी के अंदर, तो उनमें होलसेल बिकता है और इसमें जो है ज़्यादा ज़्यादा लेना पड़ता है लेकिन सस्ता मिलता है। ये देखो होलसेल मछली की दुकान है ये भी, यहाँ लाख का लाख लेना पड़ता है पूरा ढेर ढेर। भाई ये वो पीस है जो बोनलेस करने के बाद थोड़ा बहुत कांटा बचता है वही निकाला जाता है ये वाला। इसमें मांस का मात्रा होता है लेकिन कांटा भी होता है बीच बीच में। देखो इधर बोनलेस बन रहे हैं। ये छपकली 180 रुपये किलो है, ताज़ा वाला छपकली देखो। ये मैंने सोचा यार 120-130 रुपये किलो होगा, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है तो ये हम लेंगे नहीं। भाई ये वाला आज जो है ना मछली महंगा सा है थोड़ा। ये वाला मुरला हमने जो है ना सुबह से 2-3 बार हमने भाव कर लिया लेकिन वो 90 करते रह रहे, फिर 80, फिर 70, मैंने फिर ये 60 रुपये का ये और वो ले लिया है सारा, ये और ये, ठीक है। भरो भाई, भर दो। हाँ दोनों भरो, दोनों इन भाई से। भाई ये देखो झींगे में बहुत ही बड़ा झींगा है, लबिस्टर झींगा बोलते हैं इस झींगे को, और ये महंगा भी बहुत होता है। ये सब का सब जो है ना इसका एग है देखो, और ये जो है समंदरों के जो बड़े बड़े चट्टान पत्थर वगैरह होते हैं ना उसी तरह की चीज़ें उनके अंदर अंदर रहती है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से जल्दी मैं ये जाके सेल करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं तो भाई मैं ये डलवा के चलता हूँ जल्दी।